और चलिए बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि जो यात्रा है वो पहला फेज अपना आज का पूरा कर चुकी है। लाडपुरा यात्रा ये जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। एकलंग स्कूल में विश्राम है, यहीं पर लंच की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही आज खास बात यात्रा की ये है कि आज राजस्थान के जो नए प्रभारी है कांग्रेस के रंधावा वो भी इस यात्रा में शुरू होंगे। दूसरे फेज की जो यात्रा है जो कि करीब 3:30 बजे से शुरू होगी, उस यात्रा में रंधावा यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। आपको कि कोटा के लाडपुर इलाके के मंडारा में एकलंग स्कूल में यात्रा पहुंच चुकी है और इससे पहले आज सुबह 6 बजे खेल मैदान मोरू कला से PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये यात्रा शुरू हुई 700 मीटर दूर कोटा के सागौद इलाके से। दरा स्टेशन से जो यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई थी, उसके बाद ये कारवा जो है वो आगे बढ़ता गया, ग्रामीण यहाँ पर इसमें शामिल होते गए और उसके बाद दरा गांव से शुरू होकर ये यात्रा मंडारा के बीच एक गांव में रुकी जहाँ पर टी ब्रेक राहुल गांधी ने लिया। इस दौरान की खूबसूरत तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई थी जब एक ग्रामीण की छत पर राहुल गांधी चाय पीते हुए नजर आए। वहाँ जो परिवार मौजूद था उनसे बातचीत की उन्होंने और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर करीब 3:30 बजे यात्रा जो है वो 1 किलोमीटर दूर चलकर मंडाला के मंदलिया रोड पहुंचेगी और यहां पर दोबारा यात्रा शुरू होगी, यानी कि दूसरा फेज यहां से शुरू होगा। पब्लिक कॉन्टैक्ट, जनसंपर्क भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो रहा है और राहुल जी अलग अलग संस्थाओं से मिल रहे हैं। वो कई लोग आते हैं, दस्तावेज पेश करते हैं। जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण अंग है भारत जोड़ो यात्रा का। हम सिर्फ चलते नहीं हैं पर बातचीत भी होती है और लोग बोलते हैं, राहुल जी सुनते हैं। कभी कभी कार्रवाई तत्काल हो जाती है राजस्थान में, जहाँ हमारी सरकारें हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री भी मौजूद होते हैं, पर जहाँ हमारी सरकारें नहीं हैं वो संगठन की ओर से कार्रवाई होती है या दिग्विजय सिंह जी या मैं उसका फॉलोअप करते हैं। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे जो सहयोगी हिमांशु मित्तल लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु इस वक्त भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त जो यात्रा है पहला फेज पूरा कर चुकी है, लाडपुरा वहां पर पहुंच चुकी है, वहां पर लंच की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके की तस्वीर फिलहाल आप वहां देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर जो है वहां पर नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि तीसरा दिन है राजस्थान में यात्रा का और फिलहाल जो दूसरा पड़ाव है वो ठीक 3:30 बजे के आसपास शुरू होगा मंडाना के मांदलिया चौराहे से और ये जो सफ़र है वो लाडपुरा के सासर रिसॉर्ट के सामने तक पहुंचेगा। यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग रखी गई है और जगपुरा में जो पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा है वो आज विश्राम करने वाली है। कल का दिन अहम है लेकिन फिलहाल जो लोग मेरे साथ में हैं वो भी अपने आप में खास हैं। मेरे साथ में इसिका है जिनकी मुलाकात आज राहुल गांधी से हुई है। लगातार मैं देख रहा था कि 3 दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये अपनी मदर के साथ में चल रही थी और इस आस को लेकर के व्यावर से आई थी कि किसी तरह से इनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। ये बुजुर्ग हम देख रहे हैं, ये अजमेर से चल करके यहाँ पर आए हैं और इस तरह से जो हाथ का के जो पंजे हैं अपने सर पर इन्होंने तिरंगा झंडा लगाया हुआ है और इन सब के साथ में यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। मेरे साथ में एक नितिन है जो महाराष्ट्र से हैं। एक एक करके मैं सबसे बात करूंगा। इसी का सबसे पहले तो मैं लगातार देख रहा था कि आप 3 दिन से लगातार यात्रा में चल रहे थे अपनी मदर के साथ में, लेकिन आखिरकार आज आपकी उम्मीद पूरी हो गई। किस तरह से बातचीत का मौका मिला और क्या बातचीत हुई? हम लोगों की बातचीत सबसे बहुत अच्छी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा कि आप कैसे हैं, ऑल वेल। मैंने कहा सब बहुत ठीक है। राहुल सर से मिलना इट्स लिविंग लाइक ड्रीम केम ट्रू। ही इज़ सच अ अमेजिंग लीडर ऑफ कांग्रेस। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, ही इज़ माई इंस्पिरेशन ऑल्सो ने कह सकते हैं। तो या इनसे मिलना एक सपना था जो आज पूरा हुआ। 4 दिन का स्ट्रगल था हम लोगों का, तो आज वो जाके कहीं ना कहीं जाके सफल हुआ है। उनके साथ में कोई फोटो खींचने का मौका मिला? जी जी बिल्कुल, उन्होंने ही कहा था कि हम फोटो लेंगे,
तो हम लोगों ने उनके साथ फोटो भी लिया, वीडियो भी लिया। बिल्कुल चलिए, अच्छा लगा। आप बताएं कहाँ से चल रहे हैं यात्रा में और किस तरह से आप लक्ष्य लेकर के प्रदेश यात्री बने हैं इस यात्रा में? मैं अजमेर से हूँ और मैं राजस्थान बॉर्डर से चल रहा हूँ। आज जो मेरी ज़िंदगी है वो कांग्रेस की देन है। ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, कांग्रेस की ज़िंदगी है। क्योंकि यानी अपने जीवन को आप कांग्रेस को समर्पित कर दिया? हाँ, मेरा जीवन कांग्रेस ही है मेरा। और मेरे को तो मर्द घोषित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने जो मेरे को जान बचाई। चलिए नितिन, मैं आप देख रहा हूँ आपको, आप एक अलग ही गेटअप लेकर के चल रहे हो। ये आपने देखिए, मैं आपको दिखाऊं कुर की। देखिए ये नितिन है, महाराष्ट्र से चल रहे हैं। सर के पीछे इन्होंने जो अपनी कटिंग कराई है वो भी बहुत खास है। पीछे आप देख सकते हैं हाथ का जो निशान है वो साथ में है। इस यात्रा के सफर में कहाँ से चल रहे हैं नितिन आप? मैं महाराष्ट्र से डिंगलू से चला हुआ। अभी ये यात्रा में मैं श्रीनगर तक राहुल गांधी के साथ साइकिल से चल रहा हूँ। और मैं साइकिल से चलने का मतलब, पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है ना, इसलिए मैं साइकिल से चला हुआ। कांग्रेस पार्टी के मैं कम से कम 20 साल से काम करता हूँ। अब राहुल गांधी मुझे भुवनपुर और महाराष्ट्र के बीच में रात में सुबह 6 बजे मिले। तो देखिए आप, ये एक अलग अलग तस्वीरें हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई अलग अलग संदेश को देती हुई कि नितिन साइकिल पर चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, महंगाई की मार पड़ी है, और फिलहाल एक मैसेज देने के लिए चले हैं। मैं लेखराज योगी हैं, मेरे साथ में कोटा से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी तैयारी, क्योंकि अब देखिए कोटा शहर के अंदर राहुल गांधी की यात्रा का सफर शुरू होगा, कितना उत्सुक हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा, युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा राहुल गांधी जी को देखकर बहुत उत्सुक है। और हम लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग इंतजाम करें महंगाई को लेकर। हमने करीब 200 से 250 महिलाएं ऐसी हैं जो सोनिया गांधी जी के मुखड़े लगाकर और अपने सिर पर गैस की टंकी का एक मैसेज दे रही है कि सबसे बाहर जब बीजेपी सरकार थी तब 350 रुपये गैस थी, और आज को बीजेपी सरकार है तो वो 1000 प्लस जा रही है, तो उसकी जो महंगाई की मार है वो महिलाओं पर ज़्यादा पड़ रही है, उसकी महंगाई का संदेश देने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। ठीक है, तो देखिए आप, ये अलग अलग रंग हैं, ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के साथ में देखने को मिल रही हैं। और निश्चित तौर पर ये संदेश है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा महंगाई से लेकर के जो लोग कांग्रेस के लिए लंबे समय से, सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या उस विचारधारा से आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। और हिस्सा बनने के साथ में जो कारवा बढ़ रहा है, उस कारवे के साथ में चल रहे हैं, और एक जो जनसमूह है उसके साथ में यहाँ पर अटैच होते हुए जो नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है मानचो, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।